हेलो गाइज, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ओठों के बारे में। दोस्तों, अगर आपका ओठ सुंदर नहीं है तो इस वीडियो में हम कुछ टिप्स बताएंगे जिसके मदद से आप अपने ओठ एक दिन में गुलाबी और सुंदर बना सकते हैं। आइए जानते हैं, चेहरे को सुंदर बनाए रखने के लिए बहुत सी टिप्स होती है जिन्हें आप अपनाते हैं। ऐसे ही अपने ओठों को भी सुंदर बनाना बहुत ही जरूरी है। कई बार लोगों को होंठ इतने काले या डार्क हो जाते हैं जिससे वे अपनी सुंदरता खोने लगते हैं। ऐसा कई बार ज़्यादा लिपस्टिक लगाने से भी होता है। अगर काले ओठों को गुलाबी करना है तो आपको कुछ तरीके अपनाने होंगे जिनके बारे में हम बताने जा रहे हैं। ओठों का कालापन आपके व्यक्तित्व को कम करता है। ऐसे में आज हम आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे जिसके मदद से आप अपने घर बैठे ही आप अपने ओठों को कालापन दूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम आप तक लाते हैं जिसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है और 100% आपको रिजल्ट देता है। टिप्स नंबर 1, गुलाबी ओठ पाने के लिए चुकंदर का रस को इस्तेमाल करें। कुछ दिनों तक लगातार ओठों पर चुकंदर का रस लगाने से आपका ओठ बहुत ही सुंदर और गुलाबी हो जाएगा। टिप्स नंबर 2, ओठों को कालापन दूर करने का यह सबसे बढ़िया उपाय है, रात को सोने से पहले मलाई में चुटकी भर हल्दी पाउडर मिलाकर ओठों पर लगाएं। ऐसा करने से ओठ नरम और गुलाबी होने लगेंगे। ऐसा अगर सप्ताह दिन तक करते हैं मलाई में थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डालकर, तो आपका ओठ 7 दिन में ही बहुत ही सुंदर और गुलाबी हो जाएगा। टिप्स नंबर 3, गुलाब की पंखुड़ियों को पीसकर उसमें ग्रिसलीन मिला लें, फिर रोजाना इसे ओठों पर लगाएं। आप चाहे तो गुलाब की पंखुड़ियों को ओठ पर रगड़ भी सकते हैं। ऐसा करने से भी कालापन दूर हो जाएगा और आपका ओठ सुंदर और चमक जाएगा। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम आप तक लाते हैं जिसका किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है और आप लोग का बताने से पहले इसको प्रयोग करके दिखा रहता है तभी आप लोग को बताया जाता है, जिससे 100% आपको रिजल्ट देता है। दोस्तों, इस टिप्स को किसी भी एक टिप्स को अपनाकर आप अपने ओठों को सुंदर और गुलाबी बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।